अतीक जो था उसकी अति जिन्होंने देखी थी, घर से निकलना मुश्किल था लोगों का, हजारों घर उजाड़ दिए। अब बागेश्वर सरकार काफ़ी चर्चित नाम है देश में, उन्होंने एक बात कही कि तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। नौजवान बच्चे हैं, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था कानून। योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला देंगे चाहे कोई भी माफिया हो, उसको किस तरीके से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले द्वारका द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। अतीक अहमद गैंगस्टर जो काफ़ी बड़ा यूपी का माफिया था, हाल ही में जो है हत्या हुई, इलाहाबाद कोर्ट ले आते हुए, जब कोर्ट से जब मेडिकल ले जा रहे थे तो हॉस्पिटल में ही जो है गोलियां मारी गई। काफ़ी बवाल मचा हुआ है देश में, कुछ लोग जो है समर्थन कर रहे हैं कि यही हाल होना चाहिए, कुछ विरोध में उतर आए हैं। तो आज हमारे साथ वरिष्ठ जो महामंडलेश्वर हैं उनसे आज बातचीत करेंगे और जानते हैं कि महाराज नवल किशोर दास जी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। महाराज जी प्रवक्ता अखाड़ा परिषद, प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के, महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी कि अपराधी अपराधी होता है, और ये हम नहीं कह रहे, यहाँ की तथाकथित सरकारें जो पूर्व थी वो कहती रहीं कि नहीं नहीं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वही लोग परेशान, अपराधी अपराधी होता है भाई। मती अहमद किसी लोगों के अतीक जो था उसकी अति जिन्होंने देखी थी, घर से निकलना मुश्किल था लोगों का, हजारों घर उजाड़ दिए, जेल में रह करके जो फिरौती मांगता रहा, और उन्हीं के समाज के लोग त्रसत थे, कोई एक समाज का नहीं, हिंदू तो त्रसत था ही, मुसलमान भी, गरीब मुसलमान भी त्रसत था। इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन लोगों ने वो घटना, जिन लोगों के द्वारा घटना घटी, जांच के बाद पता लगेगा, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूर्व में उससे कहीं ना कहीं प्रताड़ित रहे होंगे, कहीं ना कहीं पीड़ित रहे होंगे। नौजवान बच्चे हैं, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, कानून अपना काम कर रहा था, करेगा, और उत्तर प्रदेश में तो कानून पूर्ण ठीक से काम कर पा रहा है जैसे करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिला देंगे चाहे कोई भी माफिया हो, उसको किस तरीके से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? नहीं, वो किसी एक के लिए नहीं था। अच्छा, कौन नहीं चाहेगा कि किसी भी स्टेट का या देश का आतंकवाद समाप्त हो जाए, फिरौती समाप्त हो, फालतू के लोग समाप्त हो जाए, कौन नहीं चाहेगा जी? तो उनको उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा था, उन्होंने किसी भी अपराधी के लिए कहा था जो कानून को नहीं मानता, कानून का उल्लंघन, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो कानून को जो नहीं मानता, कानून का उल्लंघन करता है, उसका स्थान तो जेल में ही होना चाहिए, उसमें क्या बात है। अच्छा महाराज जी, बागेश्वर सरकार काफ़ी चर्चित नाम है देश में, उन्होंने एक बात कही कि तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी के नाम, हनुमान जी तो जागृत देवता हैं, और हनुमान जी का नाम से बढ़िया काम हो रहा है, हनुमान जी की कृपा उन पर है, उन पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, और हिंदू समाज और धर्म जागरण का कार्य अच्छा कर रहे हैं। प्रत्येक विद्वान का, प्रत्येक साधु का, हर व्यक्ति का धर्म परायण का कर्तव्य है कि राष्ट्र धर्म के जन जागरण का काम करे, हिंदू समाज को जातवाद क्षेत्रवाद से लगट करके राष्ट्र के नाम पर एक करे, अच्छी बात है, प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। चार धाम यात्रा कल से शुरू हो गई है, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? हाँ, हर हिंदू की इच्छा होती है जीवन में कि एक बार चार धाम की यात्रा कर लूँ, एक बार हम भी हिमालय में एक रात बिता लें, ऐसी अपेक्षा सबकी होती है। मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को चार धाम आना चाहिए और यथासंभव यात्रा करना चाहिए। अंतिम सवाल मेरा वाला जी, कुछ लोग जो आकर कूड़ा पन्नी प्लास्टिक वगैरह पहाड़ों में फेंक रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड, आप भी यहाँ मौजूद हैं, और दूसरी बात जाम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है रास्तों पर, क्योंकि संकरे रास्ते हैं और काम चल रहे हैं, तो जाम को क्या कहना चाहते हैं सरकार? दोनों अलग अलग विषय हैं, जहाँ तक पन्नी का विषय है, हिमालय में आप आएँ, ज़रूर आएँ, और साधना की दृष्टि से आएँ, उपासना की दृष्टि से आएँ। वहाँ अब जो हिमालय में लोग आने लगे हैं वो कहीं ना कहीं पिकनिक पॉइंट मान करके आने लगे हैं, वो उचित नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हिमालय में आइए, धार्मिक यात्रा करिए, पर धार्मिक प्रवृत्ति के भाव से करिए, पिकनिक दृष्टि सीख नहीं, वहाँ लोग अवांछनीय भाव से भी जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे साथ आज मौजूद थे अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं महंत
नवल किशोर दास जी, उन्होंने आप खुलकर जो बताया किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी बात रखी कि माफियाओं को अगर ये हश्र हो रहा है कि उनको जो प्रदेश छोड़कर जाना पड़ रहा है और उनके आज यूपी में ये हालत है कि वो वहाँ टिकने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात को जो है खुलकर आज हरी टीवी से जो खास बातचीत में जो है रखा, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात करी कि अच्छा काम कर रहे हैं बागेश्वर सरकार, उन्होंने ये हिंदुओं को एक करने की बात कही अपने बयान में। तो आज खास कवरेज के लिए हम हरिद्वार में यहाँ पर मौजूद थे, फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।